मैंने सोचा कि आज क्यों ना कोई इजी सी रेसिपी बनाऊं जो खाने में भी अच्छी लगे और बनने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैंने बनाई है अंडा करी। अंडे को हमने 10 मिनट तक हार्ड बॉईल कर रखा है और अभी हम उसको तलेंगे। तो अंडे को अगर कम भी बॉईल करना हो तो कम से कम तो 7 मिनट तक बॉईल करेंगे और उसको अच्छे से हम चारों तरफ से डीप फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए उसका एग योक बाहर आ गया है। तो अंडे को हमने उसको अच्छे से फोक से या फिर चाकू से आप उसमें कट लगा दीजिए ताकि अंडा फटे नहीं। अगर अंडा फटेगा तो वो आपके लिए नुकसान करेगा, इसके लिए आप अंडे को अच्छे से फोक से या चाकू से कट कर लें। और ये देखिए मैंने डाला है। तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेहा कुकिंग एंड ब्लॉग में। और आज हम बना रहे हैं अंडे की करी। तो कितना जल्दी ये बन सकता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अंडा हमने फ्राई कर लिया है। अभी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले रखा है। 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने, दोनों को मिक्स करके। और सबसे मैंने प्याज फ्राई करने से पहले इसको डाल रखा है, इस पेस्ट को डाल दिया ताकि हमारा जो लहसुन और अदरक है वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच नमक। अभी आप कितना, हम लोग नमक ज़्यादा खाते हैं इसलिए मैंने सॉल्ट ज़्यादा डाला है, और आप अपने नमक स्वादानुसार डाल सकते हैं। और इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। अभी उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें डाल दिया है 3 बड़े साइज के प्याज। आप मीडियम साइज़ के प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। तो प्याज हमारा अच्छे से पक जाएगा, उसी के साथ हमारा लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो भी अच्छे से सिक जाएगा, इसलिए हमने पहले डाला। अब हम इसमें डालेंगे 5 बड़ी हरी मिर्च कटी हुई। अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप और भी ज़्यादा हरी मिर्च डाल सकते हैं, और कम पसंद है तो आप कम ही डालें। ये जो अंडे की जो रेसिपी है मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इसको चावल, रोटी, पूरियों के साथ में, नान हो गए, किसी के साथ में भी आप आराम से खा सकते हैं। तो मेरे पास टमाटर नहीं है, आप टमाटर डाल सकते हैं, 2 टमाटर डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें टमाटो सॉस डाला है, 2 चम्मच डाला हुआ है मैंने। और इसमें कुछ सॉस की तरह इसका टेस्ट नहीं आता, वो टमाटर की तरह ही लगता है। तो आप सॉस डालें या फिर टमाटर डालें, बात एक ही है। मैंने इसमें अभी डाल दिया धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाला है मैंने। उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि जो पेस्ट है अदरक लहसुन का वो चिपकता है। तो आप ध्यान दें कि ये चिपके नहीं और चलाते रहे। अभी देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें, इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, इसने तेल भी छोड़ रखा है। तो अब हम इसमें अंडा डाल सकते हैं। अब चाहे तो पानी बॉईल करके फिर अंडे डालें, नहीं तो फिर अंडे को थोड़ा सा फ्राई कर ले मसाले के साथ में, इसके बाद फिर आप पानी डाल सकते हैं। तो मैंने अंडे भी ले लिए हैं इसी में। अंडों को थोड़ा सा मसाले के साथ में फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद फिर पानी डाल दूँगी मैं। ये मैंने डाल दिया है, 1 बड़ा ग्लास पानी डाला है मैंने। और फिर मैं अभी और पानी लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो इसको अगर हमें रोटी के साथ खाने तो इतनी गाढ़ी चलेगी, लेकिन मैं इसको चावल के साथ खाऊँगी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। तभी देखिए 10 मिनट के बाद हमारा कलर, अंडा कितना अच्छा दिख रहा है, ग्रेवी की कलर कितनी अच्छी आई हुई है। और ये कितनी जल्दी बन गई आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगर घर पे गेस्ट आ जाएं तो आप आराम से इसको 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट तो आपको अंडे बॉईल करने में ही लग जाएंगे, लेकिन 20 मिनट में आप इसको फट से बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। कलर देखिए कितना अच्छा, मेहमान भी उंगलियाँ चाट के खाएँगे।